हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। और अभी मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ देने वाली हूँ। वो ये है कि ममा अर्थ पे मेड इन इंडिया फेस्टिवल रन हो रहा है 12 तारीख से लेके 14 तारीख तक। तो आप इसमें अपने आप को बिल्कुल भागीदार बनाइए, क्योंकि आपको मिल रहा है 50% तक का कैशबैक अगर आपके सारे ऑर्डर जो है 799 के अबव है, तो आराम से आपको आधे पैसे वापस। सो आप बिल्कुल भी देर किए बिना फटाफट से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। सो हरी या 50% कैशबैक ऑन ऑल ऑर्डर्स अबव 799। एंड प्रोडक्ट्स देखिए कितने सारे अवेलेबल है, दिखाती हूँ। सो ये देखिए, आपको दिख रहा है मेड इन इंडिया फेस्टिवल, जो कि ममा अर्थ की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। और डिफरेंट जो शॉपिंग सोशल मीडिया शॉपिंग्स है, वहाँ पे उनकी रेटिंग दी हुई है। एंड हरी अप दिखा रहा है कितना टाइम बचा हुआ है, वो भी दिखा रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे कस्टमर फेवरेट्स की कुछ कैटेगरी है और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, तो आप अपनी पसंद की कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा लोगों के रिव्यू है और उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूरे हैं, आप कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से गैदर कर सकते हैं। एंड आई हैव गिवन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो वहाँ पे क्लिक करके आप ममा अर्थ के आइटम्स को चेक कर सकते हैं और कुछ पसंद आए तो परचेज भी कर सकते हैं। एंड यूज़ द कोड FLAT50 टू गेट द 50% कैशबैक। एंड नाउ एंजॉय रेस्ट ऑफ द व्लॉग। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना यमी वाला फ्राइड राइस, एंड इसका डेकोरेशन जो है आदित्य ने किया है। एंड मेरे पापा और ये और मैं तीनों मिलके जो है कुछ चर्चा में लगे हुए थे। चर्चा किस चीज़ की, क्योंकि प्रॉपर्टी लेना अभी पक्का सोच रहे हैं कि कोविड की वजह से जो पहले रेट्स थे उससे थोड़े डाउन भी हुए हैं। शायद इसी वजह से हम लोगों ने भी अच्छा किया कि उस टाइम पर नहीं लिया, क्योंकि कोविड की वजह से थोड़े बहुत तो ड्रॉप हुए हैं जो प्रॉपर्टी के प्राइजेस है। और यहाँ पे मैंने अपने पापा को भी दे दिया और अभी अपने पति को भी दे दिया है फ्राइड राइस। सो अभी करीबन 8:30 ही बज रहे हैं और आज जल्दी हो जा रहा है। ये करामात सारे आदित्य की है और अभी भी डेकोरेशन में लगा हुआ है आदित्य। सो हमने जो जो प्रॉपर्टी देखी थी उसमें से थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है ना, जब आप ज़्यादा चीज़ें देख लेते हो तो कौन सा डिसाइड करना है एंड ऑल। सो उसमें से कुछ फ़ोटोज़ जो है पापा को भी दिखाए थे, एंड जो नज़दीक में जो जो प्रॉपर्टी, हमने सोचा पापा को एक बार दिखा देते हैं। तो कितना प्राइस पढ़ना चाहिए, कितना बिल्डर बता रहा है, या वो सब का कैलकुलेशन कर रहे थे और कहाँ कहाँ पे देखिए उस चीज़ का डिस्कशन कर रहे थे आगे पीछे, वो सारी चीज़ें। एंड अभी बड़े लोगों का सजेशन लेते हैं तो भी थोड़ा अच्छा रहता है ना, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड जो है करीबन नज़दीक नज़दीक एज के ही हैं, तो किसी बड़े से सजेशन लेने से, घर वाले से, बाहर वाले तो बहुत लोग देते रहते हैं लेकिन घर वाले जो सजेशन देते हैं वैसे सजेशन बाहर वाला कोई नहीं देता है। उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो अपने मतलब का होता है, लेकिन अपने पेरेंट्स जो होते हैं वो कभी भी आपको किसी और मोटिव से कोई सलाह नहीं देते। सो मैं भी अपना फ्राइड राइस लेके आ गई हूँ, मम्मी बुला रही थी लेने के लिए कि लेके जाओ, सो मैंने भी ले लिया है। और अभी हम प्लान कर रहे हैं, कल हमको दो प्रॉपर्टी देखनी है, एक तो डुप्लेक्स है एंड दूसरा जो है दोनों ही इंडिपेंडेंट हाउस है, एक डुप्लेक्स मॉडल में और दूसरा जो है दो ऊपर एक स्टेयर पे G+1 टाइप बनाया हुआ है, तो ऊपर वाला रेंट पे भी दे सकते हैं और नीचे हम लोग रह सकते हैं। लेकिन पहले से बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा पुरानी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो वर्क कराया है वो हमको कबर्ड वर्क रीवर्क कराना पड़ सकता है, बिकॉज़ उसमें थोड़ा पुराने टाइप का है, तो वो भी बेटर ही है क्योंकि थोड़ा सा रेनोवेशन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। सो बाद में मिलती हूँ मैं आप लोगों से, इत्तला तो मैंने कर दी आपको। हाय एवरीवन, इट इज़ गोइंग टू बी गुड नाइट। अभी सोने वाले हैं तो डिनर विनर हो चुका है। आज जो है आदित्य की डिमांड थी कि फ्राइड राइस बने और मम्मी से उसने बनवाया है, पता नहीं क्या क्या डलवा के, टेस्ट तो काफ़ी अच्छा आया था। सो हम लोगों ने खा लिया एंड अभी वैसे 11:30 हो रहे हैं, 8:30 बजे ही खा लिया था। उसके बाद बातें शातें बैठ के बहुत देर करी एंड अभी मैंने अपना स्किन केयर रूटीन कर दिया और अंडर आई क्रीम होती है वो भी लगाया है। ये पहली बार मैं यूज़ कर रही हूँ, इससे पहले यूज़ नहीं किया, काफ़ी टाइम से मेरे पास था ये जीवा का, एंड अभी जस्ट सील खोल के मैंने इसको अप्लाई किया है। इससे पहले दूसरा लगाती थी कभी, वो ख़त्म हो गया है, सो जस्ट लगाया है। एंड ये लोग अभी भी सोए नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुत्ते देख रहे हैं कुत्ते। एंड मैं बोल रही हूँ अभी कुत्ते उत्ते मत लेके आना, वैसे ही मेरा शेड्यूल इतना बिजी है उसका ध्यान मैं नहीं रख पाऊँगी। हमारे पास हमेशा से शादी से पहले मेरे पास एक लैब्रा रहता था सीज़र, तो इंडिपेंडेंट हाउस में अलग चीज़ होती है कि बार बार घूमता रहता है, उसको स्पेस मिल जाता है, लेकिन अपार्टमेंट्स में अगर चिल्लाएगा तो डिस्टरबेंस भी होगा मुझे लगता है।
बट फिर भी बच्चों के लिए तो टाइम पास अच्छा है, लेकिन उसको घर में ही रखना पड़ेगा। अगर कौन सा ब्रीड लेके आएंगे पता नहीं है, लाएंगे या नहीं लाएंगे, मैं तो बोलती हूँ अभी मत लेके आओ, क्योंकि उसकी भी देखभाल बराबर करनी ज़रूरी है, वो भी एक बच्चा हो जाता है। अभी ये दो बच्चों की देखभाल करना ही मुश्किल हो जाता है कई बारी, सो मैं तो बोल रही थी मत लेके आओ, बट समझेंगे तो ठीक है। वैसे मुझे कुत्ते हमेशा से पसंद हैं, लेकिन अपने एरिया की वजह से डिसाइड करके रखना पड़ता है। इंडिपेंडेंट हाउस तो पक्का मैं ले लेती, अपार्टमेंट की वजह से सोच रही हूँ ज़रा। वैसे कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन सुबह से जो है आदित्य ज़िद कर रहा था, इसलिए ये जब बाहर गए थे आज ये देख के भी आए हैं कुछ। मैं तो बोल रही हूँ अभी मत ही लाओ तो बेटर है, पहले कोरोना को ख़त्म हो जाने दो अच्छी तरह, उसके बाद कोई थॉट दे सकते हैं उस चीज़ पे। तो चलिए अभी वैसे ही लेट हो गया है, तो मैंने अंडर आई क्रीम लगाई है सारी क्रीम, तो थोड़ा सा जो है फेस पे मॉइस्चर आ रहा है, एंड यहाँ पे दिख रहा होगा आपको शाइनी शाइनी। अभी तक मैंने थोड़ा ना 2 मिनट ऐसे मसाज करी थी, सो इससे डार्क सर्कल्स नहीं आते और आपकी पूरी स्किन टोन इवन रहती है। तो दिस इज़ वन, एंड ये वाला दाग, एंड ये वाला दाग काफ़ी कम हो चुका है, बिकॉज आई एम अप्लाइंग दैट लॉरियल का माइक्रो एसेंस भी लगा रही हूँ मैं इसलिए। एंड आने के बाद पहले दिन से अभी फेस में काफ़ी चेंज आ चुका है ना। ये देखो दे आर बिजी वॉचिंग पपीज। नानो शो विच पपी यू आर वॉचिंग। ये चूपचे नैन चूडलेदु कदा నిజం కనిపిస్తలేదు तो यहाँ पे हो चुकी है अगली सुबह और हम प्रॉपर्टी देखने आ चुके हैं। तो देखिए ये डुप्लेक्स कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, एलिवेशन काफ़ी अच्छी तरह बनाया गया है और हम इसको मतलब जिनके पास कीज थे वो इसको खोल रहे हैं। तो ये डुप्लेक्स भी जो है ऑलरेडी इसमें जिन्होंने ये परचेज़ किया था वो लोग US में रहते हैं, इसलिए इसको सेल पर रखा है उन्होंने, तो थोड़े बहुत उनके आइटम्स हैं अंदर। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे जैसे ही अंदर रखो ना राइट पैर जो है उससे अंदर रखना, क्या मालूम खरीद लें। तो इस वजह से राइट पैर से मैंने इसके अंदर जो है गृह प्रवेश किया है। एंड ये डुप्लेक्स है तो काफ़ी अच्छा था, अगर इसको और भी थोड़े रेनोवेशन दिए जाएं तो काफ़ी अच्छी तरह ये क्रिएट हो जाएगा। इससे पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी दिखाई थी जो बहुत ही बढ़िया वाली थी, उसका शेप एंड इसका शेप बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। तो ये किचन का कलर थोड़ा डिफरेंट है एंड चिमनी के लिए भी स्पेस प्रोवाइडेड है, ऊपर ऑलरेडी एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है एंड कबर्ड वर्क सारा किया हुआ है। तो करवाना मतलब रिकंस्ट्रक्शन या वैसी चीज़ें रेनोवेशन ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ सकती है, लाइक अगर आपको मॉडल थोड़ा बहुत चेंज करना है। तो नीचे जो है किचन है, एक बेडरूम है एंड डाइनिंग एरिया साथ में ही अटैच है, एल शेप लिविंग एंड डाइनिंग है। और इसमें वॉक इन क्लोज़ेट दिया हुआ है, ऑल दो ये पहले बनाया था लेकिन इसका जो वॉक इन क्लोज़ेट है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो आपके रूम में चारों दीवारें आपके पास खाली है, आप उसको डेकोर में किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वॉशरूम जिसमें गीज़र एंड ऑल लगा हुआ है, आई डोंट नो कि वो सब उसके साथ देंगे कि निकालेंगे, आई डोंट नो, बट कर्टेंस भी लगे हुए हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें उन्होंने छोड़ रखी है, प्रॉब्ली निकाल लेंगे, ऑब्वियसली निकाल ही लेंगे, मैं भी क्या बोल रही हूँ। तो हॉल भी अच्छा खासा स्पेशियस है एंड ये सीढ़ी के नीचे भी थोड़ा कबर्ड वर्क दिया हुआ है स्टोरेज पर्पस, अगर आप कुछ रखना चाहे तो रख सकते हैं। तो अभी यहाँ सीढ़ियाँ जैसी ऊपर चढ़ते हैं तो बीच में एक लॉबी जैसे है एंड राइट साइड में वो कॉर्नर में ओम लिखा हुआ है, वो पूजा रूम है और उस साइड चिल्ड्रन बेडरूम है एंड दिस इज़ मास्टर बेडरूम। सो हर एक मास्टर बेडरूम जो नीचे है, नीचे भी मास्टर बेडरूम टाइप का है, ऊपर भी है, दोनों में वॉक इन क्लोज़ेट दुआ है जो मुझे काफ़ी पसंद आया। मतलब मैं तो अभी से सोचने लगी थी अगर ये वाला लिया तो वीडियो निकालेंगे तो ऐसे वैसे, मतलब ख्याल तो आ ही जाते हैं आप लो या नहीं लो, लेकिन आप एक इमेजिनेशन में ज़रूर चल जाते हैं। और उसके बाद हम छत पे आए हैं तो इसमें पीछे जो सीढ़ियाँ दी हुई है वो आयरन की सीढ़ियाँ राउंड राउंड वाली दे रखी है एंड ऊपर चढ़ते ही नज़ारा काफ़ी अच्छा था, थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग भी हो रही थी, कबूतर उड़ रहे थे जो काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा था। तो बाकी रूम देखने से पहले, आपको दिखाने से पहले हम ऊपर चढ़ गए तो मैंने बोला चलो आपको ऊपर का नज़ारा दिखा देते हैं। सो काफ़ी अच्छा लग रहा था एंड ऐसा नहीं है कि ये एकदम फुल एरिया है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई लोग आए हैं कि नहीं। सो चारों तरफ फुल है, ऑलरेडी लोग रह रहे
एंड काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन है और रेडी टू ऑक्यूपाई है। आप अभी के अभी इसमें उतर के अपना सेटअप कर सकते हो। बस आपको अगर रेनोवेशन नहीं करना है, बस जो कलर्स है वो करा के आप वापस आ सकते हो। तो क्योंकि बारिश हो रही है रोज़, यहाँ पे पानी गिर गिर के थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, एल्गी थोड़ी जम गई है। एंड ये सामने जो है ये चिल्ड्रन बेडरूम है और इसके साइड में जो पूजा बेडरूम है, एक्चुअली ये पूरा एक ही रूम है लेकिन उन्होंने कबर्ड्स के साथ पार्टीशन दिया हुआ है। तो अगर आपको रूम बड़ा करना है साइज़ में तो ये बीच में जो कबर्ड वर्क वुड वर्क है उसको निकाल भी सकते हैं। एंड यहाँ से देखिए व्यू कितना अच्छा लग रहा है ये डुप्लेक्स का अंदर से। सो प्रॉपर्टी पसंद जितनी आई है, रेट भी उतना ही हाई है इसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट केक्स की जगह पे है, मतलब सिटी के एकदम सेंटर में। आप कहीं दूर जाके लेते तो फिर भी आपको सस्ता पड़ता है, लेकिन जहाँ पे ऑलरेडी लेट है वहाँ पे ख़रीदने से थोड़ा महंगा पड़ता है। तो हम सिटी में इसलिए ले रहे थे क्योंकि बच्चों का स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें नज़दीक है। अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी जो इससे पहले मैंने आपको दिखाई है वो अच्छी बहुत है लेकिन सिटी से बहुत ज़्यादा दूर है, तो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सुपरमार्केट्स या ग्रॉसरी लेना है वो बहुत दूर पड़ जाते हैं। एंड ये आजकल की एवरीडे नीड में रहते हैं, तो बहुत दूर से जब छोटे बच्चे हों तो इट्स बेटर कि सारी चीज़ें नज़दीक में रहे। छोटे बच्चे कब बीमार पड़े और स्कूल के लिए ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े तो वो उनके लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए। सो मैं एक बार और आपको दिखा रही हूँ। सो घर तो काफ़ी अच्छा लगा, जो ओनर्स है उनसे मतलब जिन्होंने दिखाया वो बात करेंगे, हम बाद में बात करेंगे। अगर रेट हमारा उनका मैच हो जाता है तब तो ले सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था उसके अंदर वर्क जो है थोड़ा सा पुराना टाइप का है, तो निकलवाएंगे सब कुछ, रेनोवेट कराएंगे तो बढ़िया हो जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। एंड मैं एक बार आपको दिखा रही हूँ। तो सुबह सुबह जस्ट नाश्ता बिना किए फ्रेश होके मैं, मेरे पापा और मेरे हस्बैंड आ गए थे यहाँ पे। मेरे पापा तो स्नान कर चुके हैं लेकिन हम तो, मेरे हस्बैंड और मैं बस फ्रेशअप होके, नॉर्मल फ्रेशअप होके निकल लिए। एंड अभी चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के पास। एंड ये बाहर का एरिया है जो डुप्लेक्स दिखा रही है ना, साइड में गार्डन है और पार्किंग सब कुछ एकदम बढ़िया है, मतलब कोई गुंजाइश नहीं है। मैं एक्चुअली ट्रिपल बेडरूम मिल जाता तो सोच रही थी अच्छा होता, लेकिन ट्रिपल बेडरूम वाला मिल नहीं रहा है, मिल रहा है तो कहीं दूर मिल रहा है। एंड नाउ दिस इज़ दूसरा वाला प्रॉपर्टी, तो ये भी अच्छा है। देखिए हॉल लॉन्ग है, तो मैं सोच रही थी अभी जहाँ पे टीवी वॉलमेंट लगा हुआ है उसको उखाड़ो और अपना एक्वेरियम जो अपना घर में है वहाँ पे लगा के फिर इस दीवार पे ऐसे करा लेंगे। तो मेरे दिमाग में तो बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। एंड ये वाला जो है मास्टर बेडरूम है और इस साइड किचन के मतलब हॉल के एकदम लेफ्ट में ये चिल्ड्रन बेडरूम है और चारों तरफ वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके राइट साइड में भी और पीछे भी पूरा खुला एरिया है, जो मतलब जो गार्डन के लिए छोड़ना होता है ना रूल के हिसाब से वो छोड़ा हुआ है, तो वेंटिलेशन की कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड ये किचन एंड डाइनिंग अलग दे रखा है, इसको मॉड्यूलर किचन बना के, ओपन किचन बना के भी पूरा रेनोवेट कर सकते हैं, एकदम धांसू वाला लुक आएगा। घर एक ऐसी चीज़ है ना, आप उस पर कितना भी लगाते जाओ लगता ही रहता है। सो दीज आर द हाउस अपडेट्स फॉर टुडे। एंड हम एक और प्रॉपर्टी देखने के लिए नहाने के बाद निकले हैं, मैं, मेरे पापा और मेरे हस्बैंड। लेकिन क्या हुआ, जहाँ पे हम निकले थे वहाँ पे जो वॉचमैन है वो पता नहीं अंदर सो रहा था कि क्या कर रहा था, अंदर से ताला लगा रखा था उसने गेट पे। बहुत बजाया हमने लेकिन उसने ओपन नहीं किया, तो हम लोग जा के निकले थे, डेढ़ घंटा लगा वापस आने में, तो बिना प्रॉपर्टी देख के ही हम लोग वापस, हमको जाना पड़ रहा है। सो काफ़ी फ्रेश वाली फीलिंग आ रही थी क्योंकि क्लाइमेट बड़ा अच्छा था, बारिश ड्रिजलिंग ड्रिजलिंग होती है ना तो मुझे अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा भीगने वाली नहीं, क्योंकि ड्रिजलिंग में ना आप भी थोड़ा ऐसे जाके चल सकते हो, बहुत तेज़ों वाली बारिश में तो बिल्कुल भीग जाओगे। एंड मेरे को एक चीज़ याद आ रही है अभी आपसे बात करते समय, लोग बोलते हैं कि अगर बारिश के पानी में आप भीगोगे ना तो आपके सर में जू पड़ जाएगी, कभी ट्राई किया है क्या, जू पड़ी कि नहीं? कभी कभी मेरे को लगता है यार एक बार बारिश के पानी में भीगते हैं और जू पड़ती कि नहीं चेक करते उसके बाद। अभी तो मम्मी है ना, क्योंकि जैसे बचपन में जब भी हम गाँव जाते थे ना तो जो भी किसी के साइड में बैठते तो जू चढ़ जाती थी, और उसके बाद जो कोई जू निकालता था और टिक टिक करके सर में ऐसे करते हैं ना कुछ, उससे बड़ी नींद आती थी। तो वो फीलिंग चाहिए करके लगता है एक आध जू डाल लो कभी। मैं भी क्या क्या बातें करने लग जाती हूँ, है ना।
एंड आप लोगों से काफ़ी दिनों के बाद इस तरह बात करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। मतलब बहुत कुछ छूट गया था, लग रहा है ना कि कुछ खोई हुई चीज़ें वापस आ गई, इसलिए लग रहा है कि बोलती जाओ। एंड आप लोग भी मेरे प्यारे दोस्त सुनते ही रहोगे और उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपने विचार भी मुझे पोस्ट करोगे, है ना। सही है यार, अपना रिलेशन है ना, मुझे लगता है कि आपके नॉर्मल दोस्त जो होते हैं रियल लाइफ में, उससे बढ़िया बढ़िया दोस्त मेरे यूट्यूब को ज्वाइन करने के बाद कमेंट्स के थ्रू बन चुके हैं। तो आप लोगों का कमेंट पढ़ने के लिए मैं पक्का कमेंट सेक्शन ओपन करती हूँ और पढ़ती हूँ, और ये खुशी मिलती है ना कि क्या बताओ। एंड एक और चीज़ की जो मैंने लिपस्टिक लगाई ना, उसका कलर मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, क्योंकि मैं अपने आप को इसलिए बार बार कैमरे में देख रही थी, यार अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। तो चलिए अभी वापस घर पहुँच चुके हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, चिपका दीजिएगा पक्का, भूलिएगा मत, टेक केयर।